अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आयशा अनीस, स्किन केयर एंड बिजनेस एडवाइज़र और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। बहुत दिनों से सोच रही थी इस वीडियो को शूट करना, लेकिन जो है वो बस बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी कि आप प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ कि आपने किस तरीके से बीइंग स्टूडेंट, being advisor and being entrepreneur, being independent का जो ये सफ़र है वो कैसे तय किया, हाउ आप कैसे मैनेज करते थे अपनी वर्किंग और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी वर्किंग को। फिर मैंने साथ में ग्राफिक्स का जो है वो कोर्स भी किया, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती थी एंड अपनी वर्किंग को कैसे किया। तो जनाब बस कुछ इसका राज सिर्फ इतना ही है कि आई डिड टू मेजर थिंग्स। एक तो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गई और दूसरा मैंने वर्किंग में जो इम्प्लीमेंट किया वो ये कि मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ये दो चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा अपनी जो है, क्योंकि हम लर्निंग भी कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो फिर समझे वो सारी चीज़ें वो हमारे जहन तक ही रह जाती हैं, पेपर पे नहीं आती या इम्प्लीमेंटेशन अचीवमेंट्स में नहीं तब्दील होती। तो ये प्लानिंग और मैनेजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि आपकी सोच क्या है, आपका अप्रोच क्या लेकर बैठे हुए आप, इस पर डिपेंड करते हैं। सो मेरी अप्रोच, मेरा जो माइंड था वो कुछ इस तरह का था कि आई नीड ओरिफ्लेम फॉर माई ड्रीम्स, मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और इसलिए मुझे नीड है, तो उसके लिए फिर आई हैव टू वर्क डेली, ये बात जहन में थी। और उसके लिए फिर नेक्स्ट कनेक्टिव क्या जाती है कि आपने जैसे कि मैंने किया, एक चीज़ को बाय कर दिया और एक चीज़ को वेलकम किया। वो क्या था, मैंने वेलकम किया कि मैं एक बनूं चैलेंजिंग पर्सन ताकि तमाम हर्डल्स को बड़ा अच्छे से फेस कर सकूं और अपने ड्रीम के सक्सेस पाथ पर जो है वो स्टॉप ना हो। और मैंने बाय किया कंफर्ट जोन को, तो इस तरह से हुआ, मैनेज भी और प्लान भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया खुद को बीइंग एन स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट मैंने अपने आप को बीइंग एंटरप्रेन्योर बनाया, बीइंग स्किन केयर एडवाइज़र और बीइंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन में बना, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब हुआ डेली वर्किंग से। अब डेली वर्किंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो एज अ यूज़र ज्वाइन किया था, फिर ट्रेनिंग का, फर्स्ट ट्रेनिंग का जब इनविटेशन मुझे मिला तो वहाँ जाकर उस ट्रेनिंग रूम में मैंने अपनी अप्रोच का और अपनी ड्रीम्स जो मैं सोचा करती थी उसका एक रियलिस्टिक व्यू देखा मैंने। वहाँ पर मुझे हर तरह की फ़ीमेल मिली। अमूमी तौर पर हम सभी लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि जी मैं नहीं कर सकूँगी, अब शायद मेरे साथ ही सारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, बाकी किसी के साथ नहीं है। तो वहाँ पर मेरा न्यूट्रल सबसे नेचर बिहेवियर बना वहाँ पर, और फिर न्यूट्रल से पॉजिटिव एंड मज़ीद पॉजिटिव, क्योंकि मैंने देखी विजुअली अपने सामने हर तरह की फीमेल स्टूडेंट्स भी थी उसके अंदर हाउसवाइफ्स भी वहाँ पर ट्रेनिंग रूम में मौजूद थी, जॉब पर्सन्स भी थी, एंड दे आर डूइंग वंडर्स, सच में वंडर्स, दे आर डूइंग वंडर्स। और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी, बस ये ठान ली कि अब तो करके दिखाना है, जब वो कर सकती हैं तो वाई नॉट आई, अल्हम्दुलिल्लाह किया। और इसी अप्रोच के साथ प्लान आउट भी किया, प्लान किया मैंने कुछ अमेजिंग और वन एंड ओनली ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान से, वहाँ अपना गोल सेट किया और एक टाइम लिमिट खुद को मेंशन किया कि इतने अरसे के अंदर आई हैव टू बी देयर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन मैंने अपने आप को सेट कर दिया था कि विद इन
अगर मैं प्रॉपरली काम पर स्टार्टअप ले लूँ तो मुझे 6 महीने में अपने आप को सीनियर मैनेजर एंड देन लेटर मज़ीद 6-8 महीने जो है वो अपने आप को डायरेक्टर पोस्ट के लिए स्टेबल लेकर जाना है। तो जो अट्रैक्शंस थी इस अमेजिंग से सक्सेस प्लान में मेरे लिए वो ये थी कि अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में अपनी मर्जी अपनी बाकी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं यहाँ पर 9 to 5 वाली जो वर्किंग काइंड ऑफ पोस्ट होती है यानी कि आपके डिजिग्नेशंस होती हैं वो भी यहाँ मुझे मिल सकती हैं। और ये सक्सेस प्लान पे मुझे देखने के बाद जैसे कंसल्टेंट की पोस्ट मिलेगी फिर आपको जी आप अपना लेवल अपग्रेड करेंगे तो आप जाएंगे मैनेजर पे फिर मैनेजर से सीनियर मैनेजर डायरेक्टर डायरेक्टर पे जाके जी मैंने कर दिया अपने आप को पिन के यहाँ पर जाके मुझे स्टेबल होना है और फिर अपने आप को मजीद स्टेबिलिटी गोल को प्लान आउट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग द सेम। अच्छा और अट्रैक्शन क्या थी मेरे लिए सक्सेस प्लान के अंदर वो थी टाइटल्स और उनकी बहुत धांसू किस्म की जो है ना सेलिब्रेशंस जो मैंने पीछे इवेंट्स वगैरह देखे सेलिब्रेशंस देखी लोगों की बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वाकई मैं अगर वहाँ स्टेज पे खड़ी होंगी तो मुझे ऐसा लगेगा आई विल बी द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। और हर इंसान अपने लिए अपने अगर ड्रीम्स के लिए ड्रीम्स जिसके फुलफिल हो जाएं वो वाकई क्वीन ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है अल्लाह का बहुत शुक्र है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये भी नज़र आई कि लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ मेरी डेवलप हो जाएंगी एंड आई विल बी अ लीडिंग पर्सन देन। तो ये भी एक अट्रैक्शन बहुत अच्छी लगी। और इन सब के साथ कैश अवार्ड्स इंडिपेंडेंसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नज़र आना शुरू हुई क्योंकि बहुत अमेजिंग से कैश अवार्ड मिलने वाले हैं डायरेक्टर टाइटल पे। अब तो माशाल्लाह स्पीड अप ऐसी ग्रोथ आ गई है वो कि आप मैनेजर लेवल से ही बल्कि कंसल्टेंट लेवल से ही आप बोनसेस अर्न कर रहे हैं और यही आगे मैं सिखाने वाली हूँ। सो उसको ज़रूर स्टे ट्यून्ड रहना है आपने उसके लिए और वीडियोज़ को फॉलो करना है। सो और मज़ीद ये थी कि कैश अवार्ड्स अमेजिंग से मिलने वाले हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिलने वाली है। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो मुझे यहाँ पर अट्रैक्शन नज़र आई वो ये थी कि आप यहाँ पर जिस प्रोडक्ट पे काम करना है आपने इस पूरे गोल को पहुँचने के लिए वो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज के ज़रिए आपको कितनी जो है वो ग्रूमिंग मिलने वाली है आपको स्किन के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आपको हेयर के जो है वो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। यू कैन बी एंड यू आई एम इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह और यू कैन बी अ स्किन केयर एडवाइज़र माशाल्लाह और मैं हुई। अक्सर मेरी मदर को लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं कि आपकी बेटी का डॉक्टर है शी सेड नो शी इज़ स्किन केयर एडवाइज़र। तो दिस इज़ वॉट लाइफ प्रूव्स गेट बैक टू मी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जी ये इसको ये एक सच बात ये है कि ये जो सक्सेस प्लान है मेरे लिए बन गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ का अट्रैक्शन बन गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी सब इसी तरह से जो है प्लान आउट करना है और अब प्लानिंग बड़ी आसान हो चुकी है। वो क्या कि आपने जो फरवरी 2021 के अंदर लॉन्च हुई हैं कंपनी की साइड से बहुत अच्छी ऑफर्स प्लानिंग कर दी गई है भाई ज़बरदस्त सी। आपने सिर्फ उन प्लान्स को सेट करना है मंथ बाय मंथ और चलते चले जाना है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो अपकमिंग आने वाली हैं स्पीड बोनस एंटरप्रेन्योर बोनस इसके अलावा स्पॉन्सर के हिसाब से आएंगे बेनिफिट्स हर न्यू पर्सन के लिए भी बोनस मौजूद है मैनेजर के लिए बोनस है गोल्ड क्लब इज देयर। सो फॉर एवरीथिंग ज़रूर इंडिविजुअली मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो जाए टू फॉलो। और आपने भी यही करना है ईजी टू फॉलो ही है बस उसको समझना है और अब इम्प्लीमेंट करते चले। टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कैसे होगी क्योंकि प्लान तो हो गया ऑफर्स पे हमने वर्किंग करना शुरू कर दी तो अब टाइम को मैनेज कैसे करना है कि आपके पास आपके प्रायोरिटीज़ आपने सेट करनी। ऑब्वियसली मेरे पास जो थी फैमिली इसके बाद एजुकेशन एंड वर्किंग
और फिर इसके बाद जो है वो रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम मेरा होता था मेरी अपने पर्सनल शौक, जो सर्फिंग वगैरह ये वो सब, जो भी क्रिएटिव काम करना ये वो सब चीज़ें, डेकोर बनाना है होम के और ये वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम में लास्टली, और उसके ऊपर जो प्रायोरिटी यानी कि अपनी लाइफस्टाइल को मैंने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया, तब मैं मेरी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगी। और उसमें क्या कि प्लानिंग जो करनी होती थी, यानी कि जो मंथ को प्लान करना है, मंथ बाय मंथ हमने आगे बढ़ना है, तो जो मंथ प्लान कर रही हूँ उससे पीछे वाले, बिफोर दैट पीछे वाले मंथ के लास्ट 2-3 डेज को प्लान पे रखती थी, और फिर उसके बाद पहली तारीख से उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आपके पास आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर है आपका विजन कि आपने इस महीने क्या करना है। एवरी मंथ की अपग्रेडेशन प्लान करती थी उसमें कि इस महीने मुझे ये चीज़ें अपनी सेट कर लेनी है, ऑर्गेनाइज भी कर लेनी है, अपना डाटा ऑर्गेनाइज करना है। इस मंथ जो है वो मुझे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स की प्रोफाइल को जो है वो बिल्कुल अपग्रेडेड चलाना है, और फिर उसके बाद पोस्ट पर आना है। तो ये चीज़ें डे मंथ बाय मंथ जो है प्लान आउट होकर मैनेज होती चली गई। जब इस तरह से मैनेज होंगी तो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, एजुकेशन में अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे यही सवाल करते थे कि एग्ज़ाम्स हैं, हाउ वी कैन मैनेज, ना हम किस तरह से मैनेज करें, एग्ज़ाम्स वाले दिन में नहीं हो पाता होगी वो चीज़ें। तो उसका भी बड़ा आसान सा तरीका कर ये था, पेपर भी दिए जी और असाइनमेंट्स भी किए हैं जी, सब कुछ किया है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी मैंने विद इन माई मंथ, जो 3 मंथ्स का सर्टिफाइड कोर्स, ये भी सब चीज़ें विद इन दिस वर्क किया है, ग्राफिक्स का प्लस सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये है कि आप ये करना है सिर्फ कि आपको एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन डेट्स पता होती हैं, आपने ये करना है कि हमारे पास पूरा महीना होता है, फ्लेक्सिबल आवर्स एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग का जो बेनिफिट है वो सबसे बड़ा यहाँ पर आकर होता है हमें। उसमें यह कि आपने पहले से ही जो है प्लान आउट कर लेना है कि ठीक है, स्टार्टिंग के मंथ में मेरे पेपर्स हैं, तो मैंने उसमें लाइट फॉलोअप्स के साथ और हल्के फुल्के ऑर्डरिंग्स को अपने कवर कर लेना है, और उसके बाद जो मेरे बाकी के पेपर्स हो जाएंगे, आई विल बी अ रिलैक्स पर्सन। मैं आगे के 15 डेज जो है वो रिक्रूटमेंट्स पे काम करूँगी ताकि मेरे नेक्स्ट मंथ भी रिक्रूट्स तैयार हों और ये 15 डेज भी मेरे रिक्रूट्स, क्योंकि हमारा काम तो है भाई चुटकियों वाला, और करने पर आ गए तो बड़ा फास्टली ग्रो कर सकते हैं, जितना आप तेज चाहें उतना आप ग्रो कर सकते हैं, और अब तो वैसे भी डबल स्पीड आ चुकी है तो जी मैनेज ही मैनेज होगा। और आपने मैनेज पहले शुरू में मैनेज करना है, फिर आप हो जाएंगे आदि, आप उसी ट्रेल पे चल रहे होंगे, फिर आपको मैनेज नहीं करना होगा, आपका लाइफस्टाइल ही वैसा हो चुका होगा जैसे कि अब मेरा हो चुका है स्टार्टिंग का 1 साल, और उसके बाद जो एग्रेसिव ग्रोथ हुई 2 ईयर्स में मेरा डायरेक्टर टाइटल अचीव हुआ, और 2 ईयर्स से आई एम मेंटेनिंग इनस्टेबिलिटी। उस पर पैनडेमिक भी आया, डिजिटल एक जो है वो लहर उठी पूरी, वो हम कम्प्लीटली डिजिटल हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब स्टेबलाइजेशन के बाद अब वर्ल्ड प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने भी अपनी लाइफ में प्लानिंग के साथ करना है और मैनेजमेंट के साथ करना है और डेली वर्किंग करनी है। दिस इज़ द जो आखिरी टिप्स आप लोग को दोबारा बता दें, तो इस तरह से मैनेज आउट करना फिर आप ऑटोमेटिकली हैबिट पे चल जाएंगे। वो एक बड़े अच्छे से हम अमूमी तौर पर बहुत कैजुअली मैं सुन रही सेंटेंस को, बच्चा जो है ना वो एक पटरी पर चढ़ गया है, अब तो ट्रेन भागेगी भागेगी, ठीक है जी। तो आपकी ट्रेन भी भगाएं, और हो के आपको मेरी चिट चैट अच्छी लगी होगी, लंबी हो गई काफ़ी बट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो डू फॉलो, और अपकमिंग बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी दैट मच।